परमाराध्य सदगुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, संबित समादरणीय उपस्थित सत्संग मंडली, सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों, दो दिवसीय 18वां वार्षिक सत्संग समारोह का आज प्रथम दिन का प्रथम सत्र प्रारंभ हो चुका है और कुछ ही समय के बाद परमाराध्य सदगुरुदेव जी का मंच पर आगमन हो जाएगा। इसलिए आप तमाम ग्रामीण भक्त सज्जनों से निवेदन है कि जो अब तक सत्संग स्थल पर नहीं आ पाए हैं, आप लोग जितना जल्द हो सके सत्संग पंडाल में आ जाएं, क्योंकि कुछ ही समय के बाद पूज्य गुरुदेव जी का आगमन होने जा रहा है। वैसे तो देख ही रहे गर्मी और उमस, फिर भी अभी हम पूज्यपाद साहेब जी से सुन रहे भक्ति के विषय में, कुछ न कुछ किसी भी काम करने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है, कुछ दुख तो सहना ही पड़ता है। आइए आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के बीच पूज्य गुरुजनों के निर्देशानुसार एक भजन रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय। क्षमा शोभते उस भुजंग को, क्षमा शोभते उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, ओ क्या जो दंतहीन विषरहित बिनित सरल हो। बोलो सद्गुरु देव की जय। अरे मन तू तो संभल पार अभी बाकी है, तेरे भव सिंधु का मझधार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी, धार अभी बाकी है। अरे मन तू तो संभल, अरे मन संभल, पार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी, धार अभी बाकी है। कबीर देव कहते हैं, आदमी जब तक जीता है संसार में, सारे प्राणी पदार्थों को समेट कर रख लेना चाहते हैं। लेकिन विचार करें, ये सदगुरु कबीर विचार मंच यह हमें निर्देश संदेश देते हैं
अपने जीवन चरित्र से दुनिया का इतिहास रचने वाला बड़े बड़े सूर वीर पैगंबर सब के सब इस संसार से चले गए, लेकिन साथ लेकर क्या गए? उसके जीवन भी उसके जीवन में भी एक ऐसा रही, कुछ और मोहलत मिल जाते, कुछ और अवसर मिल जाते, जैसे कि और लोग सोचते हैं कि चलिए सुबह के सत्र में शामिल नहीं हुए तो अपराह्नकालीन सत्संग में तो जरूर जाएंगे, और कहीं वह भी ना चूक जाए। इस तरह से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, समय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए ऋषि कहते हैं, काहे करता है हम काहे करता है हम एक दिन होगा मरण, काल जब देगा दमन जाए तू किसके शरण। काहे करता है हम एक दिन होगा मरण, काल जब देगा दमन जाए तू किसके शरण। लगा ले इनसे लगन अभी बाकी है धार, अभी बाकी है पार, अभी बाकी है धार। अरे मन तू तो संभल पार, अभी बाकी है पार, अभी पार, अभी बाकी है धार, अभी बाकी है पार। साहब कहते हैं, हमारे जीवन में किसी भी काम करने के लिए सुख दुख दो थपेड़ी को सहना पड़ता है। किसी भी काम करने के लिए अच्छा और बुरा परिणाम होता है। अच्छा कर्म करते हैं उसके लिए भी परिश्रम की जरूरत करते पड़ते हैं, और बुरा कोई काम करने के लिए मन में ठानते हैं विचारते हैं उसमें भी परिश्रम की जरूरत होती है। इसलिए संत कहते हैं, जिंदगी एक समर लड़ाई कस के लड़, भलाई करता चल बुराई से तू डर, भलाई करता चल बुराई से तू डर। आया संसार में तो काम भी कुछ करता चल, आया संसार में तो काम भी कुछ करता चल। संत कहते हैं, टक्कर लेना होगा तुझको पंच विषय के पहाड़ों से, टक्कर लेना होगा तुझको पंच विषय के पहाड़ों से, डरना नहीं लड़ना होगा तुझको अपने नीच विचारों से। इसलिए यह पद का आगाज है, जिंदगी एक समर लड़ाई कस के लड़, भलाई करता चल बुराई से तू डर। आया संसार में तो काम भी कुछ करता चल, अभी बाकी है धार, अभी बाकी है पार, अभी बाकी धार, अभी बाकी है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। हम लोगों के बीच परम पूज्य परम श्रद्धेय संत श्री रामेश्वर साहब जी, जो कि तीर्थराज प्रयाग से पधारे हुए हैं,
पूज्य साहब जी से अनुनय विनय निवेदन है, आप अपने ज्ञान गंगा से हम सबों को अप्लावित करने की कृपा करें। बोलो सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। इधर से तो आवाज गई लेकिन उधर से आवाज वापस आई नहीं। संख्या तो कम नहीं है, फिर भी शंखनाद में उधर से कोई दम नहीं है, तो जरा जोर जोर से आप लोग जय जयकारा लगाइए ताकि आसपास के लोगों को ये पता चले कि यहाँ कुछ हो रहा है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर उपस्थित संत गुरुजन, धर्म सभा में बैठे हुए धर्मा अनुरागी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग संत श्री शंभू शरण साहिब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन श्रवण किए। इसी क्रम में हमें भी आदेश मिला है, आदेशा अनुसार कुछ निवेदन। सदगुरु कबीर के संत परंपरा में एक साखी आती है, जिसका भाव बहुत ही अच्छा है। मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षम इच्छा होए, तीनों अति परम है, पाय सुयोग्य न खोए। तीन बातें हैं। मानुष तन पहली बात है। यहां जितने लोग बैठे हैं, हम हैं, आप हैं, सब लोग मनुष्य हैं। इसमें कोई पशु पक्षी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई भालू शेर नहीं है। हम और आप मनुष्य हैं। अगर कहीं हमसे गलती हो जाती है, कोई गलत कर्म हो जाता है, तो जो भी हमसे बड़े बुजुर्ग हैं वो कह देते हैं, गधा कहीं का, बैल कहीं का, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो हम है ही नहीं है। हम तो मनुष्य हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। तो हम भी समझते हैं कि हम कोई जानवर नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं, हम तो मनुष्य हैं। बड़े ही सौभाग्य से हम लोगों को यह शरीर मिला है, जीवन मिला है, और ऐसे नहीं मिला है। कोई पेड़ का फल नहीं है कि पक कर के नीचे गिर गया और मिल गया, ऐसा नहीं। इस शरीर में एक जीव है, शरीर ही मैं नहीं हूं। जो दिखता है शरीर वो मैं नहीं हूं। जो शरीर में रहने वाला है वो जीव, वो हम और आप हैं। और यह जीव कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में, एक दो योनि नहीं,
84 लाख योनियों में भटकते भटकते, घूमते फिरते, मरते और जन्मते यह शरीर को पाया, मानव तन को पाया, मानव जीवन को पाया। और जानते हैं यह अंतिम जीवन है, अंतिम शरीर है, यह मनुष्य का अंतिम तन है। तो जब यह अंतिम तन है और यह हमको मिला है, अगर हमने इसमें तन को पा करके, जीवन को पा करके अगर कल्याण का काम नहीं किए, मोक्ष का काम नहीं किए, भक्ति का काम नहीं किए, साधना नहीं किए, सत्संग नहीं किए, तो फिर कहाँ जाएंगे? आगे तो कोई जीवन योनि नहीं है, तो फिर कहाँ हम जाएंगे? इसके आगे कोई राह नहीं है, तो वहीं जाएंगे जहां से हम आए हैं। फिर नीचे के तरफ जाएंगे, 84 लाख योनि में जाएंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी कुत्ता बनेंगे, कभी भेड़ बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी शेर बनेंगे, कभी ऊंट बनेंगे, कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बकरा बनेंगे, कभी मछली बनेंगे, कभी मुर्गा बनेंगे। अब जानते हैं ना कि मुर्गा मछली और भेड़ बकरा का क्या गति होती है, समझाने और कहने की जरूरत नहीं। वही गर्दन पर छुरी चलेगी, चमड़ी छिली जाएगी और हंडी और कड़ाही में पकेंगे और मनुष्य खाएगा और खा करके सुबह सुबह खेत में रखाएगा। आइए, एक दो बार नहीं हुआ है, पता नहीं जन्मों से ये चला आ रहा है क्रम, लेकिन यह तन मिला है भक्ति करने के लिए। तो मानुष तन बड़ा ही सौभाग्य से मिला है, लेकिन इस तन को पा करके क्या हम भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, संतों की संगत कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो उस सत्संग के राह पर क्या अपने जीवन को लेकर के चल रहे हैं? अगर जीवन को लेकर के अगर हम चलते, सत्संग जैसे, सत्संग जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं, जो सत्संग सुन रहे हैं उसके अनुसार अगर जीवन को लेकर के चलते, तो इसमें शराब क्यों डालते, मुख में खैनी क्यों डालते, गांजा क्यों पीते, भांग क्यों खाते, जुआ क्यों खेलते? इसका मतलब यह है कि सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन सत्संग का असर हमारे जीवन पर नहीं है। इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है। एक बात और मैं बता दूं आपको, शराब पीना तो गलत काम तो है ही है, अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है, लेकिन शराबी बड़ा ईमानदार होता है, जो कहता है वो करता है, जैसी कहे करे जो तैसी। कबीर साहब की एक पंक्ति है, जैसी कहे करे, ये मतलब नहीं है कि हम शराब पीने के लिए छूट दे रहे हैं, ये बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि शराबी जो कहता है वो करता है, लेकिन जो गुटखा खाने वाले हैं, पान खाने वाले हैं, बीड़ी पीने वाले हैं, खैनी खाने वाले हैं, ये लोग बेईमान हैं, क्योंकि जो कहता है वो करता नहीं। कहता है कि लाओ हम खैनी खाएंगे, थोड़ा खैनी दो खाने के लिए, तो क्या वो खैनी को खाता है, बाहर फेंक देता है, खाता कहाँ है वो? कहता है कि लाओ हम सिगरेट पिएंगे, अरे सिगरेट पीते हो तो फिर पी करके धुआं बाहर क्यों फेंकते हो, उसको पी जाओ। गुटखा कहते हो कि लाओ एक पुड़िया गुटखा हम खाएंगे, अरे खाते हो तो खा जाओ, उसको जहां तहां थूकते क्यों हो? लेकिन शराबी कहता है कि हम शराब पिएंगे, शराबी पी जाता है, फिर बाहर हो कुल्ला नहीं करता है, फेंकता नहीं है वो। तो मैं कह रहा था कि शराबी ईमानदार होता है, लेकिन बुरा कर्म है, शराब आपको नहीं पीना है।
दारू नहीं पीना है, गांजा नहीं पीना है, भांग नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है। अगर इतना कर्म अगर हमारे जीवन से अगर निकल रहा है तो समझिए कि सत्संग का असर हो रहा है। सत्संग में हम जीवन जी रहे हैं, मानुष तन की सफलता है। एक एक विकारों को अपने जीवन से निकालिए, एक एक दोषों को अपने जीवन से मिटाइए, तब जाकर के यह मानुष तन मिलना सार्थक है। मानुष तन और उसके बाद कहते हैं सदगुरु मिलन। मानुष तन पहली, दूसरी बात सदगुरु मिलन। अगर आप किसी संत से, सदगुरु से आप दीक्षा लिए हैं, कंठी माला धारण किए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन में उभरे सारे समस्याओं का समाधान गुरु के पास है, गुरु के पास है। चाहे आंतरिक समस्या हो, चाहे बाह्य समस्या हो, कोई भी समस्या है तो गुरु से आप सलाह लीजिए, गुरु के पास जाकर के अपनी समस्या को बताइए। लेकिन हम समस्या को नहीं बताते हैं, हम कुछ मांगने चले जाते हैं। धन मांग लेते हैं, दौलत मांग लेते हैं, बेटा मांग लेते हैं, अमुक काम कैसे होगा, मुकदमा में गुरुजी मुकदमा चल रहा है, विजय कैसे होगा। केवल संसार के प्रपंच हम मांगते हैं, लेकिन कितने लोग हैं ये जा करके गुरु से कहेंगे, गुरुजी हमारा मुक्ति कैसे होगा, हमारा मोक्ष कैसे होगा, हम जीवन में सारे सुखों को कैसे अपना सकते हैं, हमारा जीवन कैसे सुखी हो सकता है। ये मांगने वाले बिरले बिरले लोग हैं। देखिए कैसे हमारे जीवन जीवन के समस्याओं का समाधान होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार शंकर जी और पार्वती जी कहीं जा रहे थे, तो उनके पास सवारी तो जानते हैं ना, वो बैल बसाहा बैल, उसी सवारी से जा रहे थे। चूंकि यात्रा बहुत लंबी थी, गर्मी का दिन था, चलते चलते दोपहर का मौसम हो गया। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि अभी तो यात्रा अभी बहुत बाकी है, गर्मी हो गया, थोड़ा सा एक पेड़ था, बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, छाया थी। ओ पार्वती जी ने कहा कि थोड़ा यहीं आराम कर लेते हैं। शंकर जी और पार्वती जी उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे और बैल को छोड़ दिए। चूंकि बैल चलता था, वो लोग दोनों बैठे थे, बैल थका भी था, भूख भी लगा था, प्यास भी लगा था, तो बैल को छोड़ दिए। बैल को जब छोड़ दिए तो चला गया चरने के लिए। जब चरने के लिए गया तो खेत में बहुत बढ़िया बढ़िया मक्का का फसल लगा था, छोटा छोटा पौधा था, मुलायम मुलायम हरा हरा, देख करके बैल तो बड़ा खुश हो गया। वो भर पेट खाया, तब तक किसान आ गया, खेत वाला किसान आ गया, देखा कि ये किसका बैल चल रहा है भाई, हम इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत से खेत को जोते बोए पानी दिए, इतना बढ़िया फसल पैदा किए, ये बैल जो है चर गया हमारे खेत को। तो देखा तो पेड़ के नीचे दो लोग सोए थे। वो जा करके पूछा ये बैल किसका है, वो लोग तो सोए थे, जगे देखे कि ये हमारा ही बैल है। वो किसान ने तो पहचाना नहीं शंकर जी और पार्वती जी को, बहुत भला बुरा कहा, बहुत उल्टा सीधा कहा, और कहा कि हमारे खेत को चरा दिए। तो शंकर जी और पार्वती जी तो जानते ही हैं, उल्टा सीधा तो किसान बेचारा बोल दिया, लेकिन जब परिचय दिए कि भाई हम शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, तो वो किसान ने कहा कि चाहे जो भी हो, हमारा खेत तो नुकसान किए ना। इतना उल्टा सीधा बोला कि शंकर जी है क्रोध में आकर के उसको श्राप दे दिए कि तुमको इतना घमंड है, हम सबकी झोली भरते हैं और तुम हमको उल्टा सीधा कहते हो, जाओ तुमको इतना घमंड है तो हम श्राप देते हैं कि जब तुम बोझा बांधोगे ना इसका, किसका, मक्के का काट करके जब बोझा बांधोगे तो आधा किलो ही अन्न मकई निकलेगा तुम्हारे एक बोझा में। बड़ा चिंतित हुआ किसान कि अरे भाई इतना बढ़िया हम मेहनत किए, तीन तीन महीना खाद दिए, पानी दिए, जोते बोए, और जब हम फसल काटेंगे तो एक बोझा में एक आधा किलो ही हमको अन्न मिलेगा। बड़ा चिंतित, ये तो साल भर खाने के लायक भी नहीं होगा, हमारा परिवार क्या खाएगा, हम क्या खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन वो किसान का एक गुरु था, दौड़ते दौड़ते गुरु जी के पास गया।
गुरुजी ऐसी ऐसी समस्या है, अब क्या करें। गुरुजी ने कहा कि बेटा फसल पकने दो, हम न समस्या का समाधान बताएंगे, हम गुरु हैं, तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान हम करेंगे। जब फसल पक गया और काटने का जब बारी आई और जब कट गया तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी खेत काट दिए, क्या करें। कहे कि बोझा बांधना है ना, हाँ, कोई बोझा का साइज तो नहीं है, चार चार बाली का बांध लो, चार चार पेड़ का बोझा बांध लो, चार चार पेड़ का बोझा बांध लो। तो बेचारा चार चार वही मक्का का पौधा का जो है बोझा बांध लिया और वो उतना हो गया कि उसको पूरा खेत में कभी अन्न नहीं हुआ था। जहां 20 बोझा होना था वो 200 बोझा हो गया, 400 बोझा हो गया, वो तो माला माल हो गया। तो ये समाधान कहां से आया, गुरु के द्वारा आया। बोलिए सतगुरु देव की जय। तो मैं कह रहा था कि गुरु के पास सारे समस्याओं का समाधान है। हम गुरु के पास जाएं और अपने कल्याण का रास्ता पूछें, गुरु जी हमारा कल्याण कैसे होगा, गुरु की भक्ति करें, गुरु के ज्ञान का अर्जन करें, मोक्ष का रास्ता पूछें। तो मैं कह रहा था मानुष जन्म मिल तो गया है, सदगुरु मिलन, गुरु भी मिल गए, अब तीसरा काम, अंतिम काम बाकी है, वो क्या है, मोक्षम इच्छा होए, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। क्या हमारे पास मोक्ष की इच्छा है, क्या हमने अभी पूरे जीवन में कभी मोक्ष की इच्छा की, क्या हम मोक्ष के बारे में सोचे कि हमारा मोक्ष भी होना चाहिए। हम सब कुछ के बारे में सोचते हैं, घर कैसे बढ़िया बने इसके बारे में सोचते हैं, महंगी से महंगी हमारे दरवाजे पर गाड़ी आ जाए इसके बारे में सोचते हैं, बच्चा हमारा बढ़िया स्कूल में पढ़े ये हम सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है, इसके बारे में सोचिए, ये सारे जीवन के लिए है। हमारा कपड़ा, हमारे शरीर पर कपड़ा सुंदर से सुंदर हो इसके बारे में सोचते हैं, पैसा हमें कैसे कमाना है इसके बारे में सोचते हैं, और ऑफिस में बैठ करके घुस कैसे लेना है इसके बारे में सोचते हैं, दुकान पर बैठ करके मिलावटबाजी कैसे करना है इसके बारे में सोचते हैं, सारे चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी मोक्ष की इच्छा हुई, मोक्षों इच्छा हो। अंतिम काम मुक्त होना है ना, इसीलिए तो शरीर मिला है कि और कोई काम है। मनुष्य के अलावा धरती तल पर जितने भी प्राणी हैं उनका मोक्ष नहीं हो सकता है, मुक्त नहीं हो सकते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्यों कि देवता भी अपने मुक्ति का काम नहीं कर सकते। यह मनुष्य ऐसा जीवन है, मनुष्य ऐसा शरीर है जो कि इस शरीर को पा करके, इस तन को पा करके हम मुक्ति का काम कर सकते हैं। हमें गुरु के सानिध्य में जा करके, मैं तीन बातें बताया, मानुष तन यह शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, सदगुरु मिलन, मानुष तन मिल जाए, अगर सदगुरु न मिले, सच्चे संत न मिले तो भी
जीवन हमारा सार्थक नहीं होगा। तब मानुष तन सदगुरु मिलन और मोक्षों इच्छा होए, मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। तीनों अति परम है, इससे तीनों से बढ़कर के इस दुनिया में कोई धन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। शरीर, गुरु और मोक्ष की इच्छा, यही परम उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। और यह तीनों सौभाग्य से हम लोग को मिला है, अब क्या चाहिए? लेकिन मिला तो है, लेकिन हम करते नहीं हैं। साधन तो हमारे पास है, लेकिन साधन का उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर मंजिल कटेगी कैसे? हम मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? तो इसको गंवाना नहीं है। तीनों अति परम है, पाय सुयोग्य न खोए, ये बहुत सुंदर अवसर है। इसको पा करके इसको खोना नहीं है, इससे चुकना नहीं है, इसको सदुपयोग करना है। और सदुपयोग करके हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, मुक्त होना है। इसीलिए है जीवन या शरीर और सदगुरु और ये सत्संग है। तो मैं आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन किया, और भी संत गुरुजन मंच पर मंचासीन है, मना कर रहे हैं। निकल गए हाँ, हमारे बीच परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। सदगुरु कबीर आश्रम जो आपके तीनटंगा ग्राम में है, उसके महंत संत श्री राम साहेब जी हम लोगों के बीच मंचासीन हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने मुखारविंद से हम सब के बीच भजन रखने की कृपा करें। आप आ जाएं, मेरे ही बगल में आ जाएं, आपका साज पाज यहीं रखा हुआ है। पिंजड़े बाली नार मुनिया, पिंजड़े बाली ना, पिंजड़े बाली नार मुनिया, पिंजड़े बाली ना, तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया। पिंजड़े बाली ना, तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया। पिंजड़े बाली ना, पिंजड़े बाली नार मुनिया, पिंजड़े बाली ना, कि तेरा सतगुरु है व्यापारी मुनिया। पिंजड़े बाली ना, कि तेरा सतगुरु है व्यापारी मुनिया। पिंजड़े बाली ना, डार पर मुनिया बैठे खाय ज्ञान के बोटे। सब संतन मिल मता बिचारे, सब संतन मिल मता बिचारे, हो सब संतन मिल मता बिचारे, राम नाम ले छोटे मुनिया। पिंजड़े बाले तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया। पिंजड़े बाली ना,
तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया पिंजड़े वाले राज तेरा मस्त हाथी पर मुनिया बैठे अंकुश दे दे हारे मस्त हाथी पर मुनिया बैठे अंकुश दे दे हारे सब साधुन मिल ज्ञान बताबे सब साधुन मिल ज्ञान बताबे मुनिया हो गए न्यारे मुनिया पिंजड़े वाले ना तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया पिंजड़े वाले ना काठ के पिंजड़ा रोपता में बैठे मुनिया आठ काठ के पिंजड़ा रोपता में बैठे मुनिया टूट गए पिंजड़ा उड़ गए मुनिया टूट गए पिंजड़ा उड़ गए मुनिया रोबन लागे दुनिया मुनिया पिंजड़े वाले ना तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया पिंजड़े वाले ना तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया पिंजड़े वाले ना पिंजड़े वाले ना रे मुनिया पिंजड़े वाले ना पिंजड़े वाले ना रे मुनिया पिंजड़े ना कि तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया पिंजड़े वाले ना कि तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया पिंजड़े वाले ना कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी जो मुनिया को लखे लखावे जो मुनिया को लखे लखावे आवागमन निवारे मुनिया पिंजड़े वाले ना कि तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया पिंजड़े वाले ना पिंजड़े वाले ना रे मुनिया पिंजड़े वाले ना पिंजड़े वाले ना रे मुनिया पिंजड़े वाले ना कि तेरा कि तेरा कि तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया पिंजड़े वाले ना कि तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया पिंजड़े वाले ना कि तेरा सतगुरु है व्यापारे मुनिया पिंजड़े वाले ना बोलिए सतगुरु देव की जय बोलिए।